इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती हेमलता जी, झुम्बर लाल जी पाटनी जालना, सौभाग्यवती मंजू कचरू, सौभाग्यवती रेणु योगेश, सौभाग्यवती रश्मि दीपेश, सौभाग्यवती सलोनी अक्षय, चिरंजीवी मोहित, संयम रोहित, शुभम पाटनी एवं समस्त पाटनी परिवार जालना, फर्म कपूर चंद एंड कंपनी, आदिनाथ हार्डवेयर एंड स्टील ट्रेडर्स। ये पश्चिमी हवा के ये केवल 4 महीने यदि चलती है वर्षा होती है, बाद में लू लपट चलती है। ये पश्चिमी पूर्व से कभी भी चले लू लपट नहीं चलेगी, कितनी भी भयंकर गर्मी क्यों न पड़े। पूर्व और उत्तर से यदि हवा चलेगी हरिश्चंद्र हवा चलेगी, जो हरिश्चंद्र की हवा सत्य हुआ करती, चली तो बूंदा बूंदी तो हो ही जाए, धरती गीली हो ही जाए, पशु पक्षी पशु पक्षियों के लिए पानी का संग्रह हो ही जाए जलाशय में, हरा भरा यह सब धरती देखने को उपलब्ध हो ही जाए, किंतु पश्चिमी हवा कर्ज लिखाने के बताता है। क्या करता है? केवल कर्ज निकालो, सब ठीक ठाक हो जाएगा। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। ये देह तो भस्मसात होने वाला, ये तो जल जाएगा, जलाने के लिए और खर्चा करो, काय को खर्चा। वर्षा के काल में हो जाए तो एक डब्बा एक पीपा गिला घास लेट तेल चाहिए, और ईंधन भी बहुत कुछ चाहिए, तब कहीं जा करके फलाना चंद का अंतिम संस्कार होगा, खर्चा आता है, ऐसा है ये। लेकिन हम इतिहास को खोलते हैं देखते हैं, बहुत सैकड़ों ऐसे उदाहरण मिलते हैं। संतोष ये सब दृष्टि से, शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से और अंततोगत्वा अध्यात्म की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण संस्कार है भारत में। इसलिए आप पराश्रित ना हो शिक्षा के बाद, किंतु जो पराश्रित है उनके लिए भी स्वाश्रित करने का योगदान दे, ऐसे व्यक्ति बहुत कम है। पहले के लोग हर बात पर यही सोचते थे, मेरे इस कसरत के माध्यम से किसी को उपयोग में आ जाए तो मैं अपने आप को धन्य मानता हूँ। उस व्यक्ति को अतिथि देव कहते थे और अतिथि सत्कार करके उसके जीवन को समृद्ध बनाते थे। ऐसा जीवन जीने वाले किंतु आज सब पराश्रित होते चले जा रहे हैं। उसका कारण यह है, जब बाढ़ आती है तो उसके साथ सब कुछ चला जाता है, नदी के किनारे पेड़ पनपते हैं किंतु नदी के किनारे के पेड़ मूल जड़ को खो देते हैं, क्योंकि धारा वेग से आती है, मिट्टी को बहा करके ले जाती है और वह मंत्र जाप करते रहते हैं, या आज जाना ही है। आप लोगों का भी लगभग ऐसा हो रहा है, जबकि मजबूत होना चाहिए, वो मजबूती इसलिए नहीं है कि पानी के वेग के समय पर हम उस प्रकार के वहाँ पर दीवार खड़े कर दें अथवा उस प्रकार के पेड़ हम लगा दें, बांस के पेड़ लगा दें तो नदी को भी सरकना पड़ेगा, किस ओर आगे की ओर नहीं बाजू, क्योंकि वो बांस की जो जड़ है वो कभी भी हिले नहीं, ऐसी जड़ है। तो अहिंसा के संस्कार के माध्यम से
आपकी जड़ों को बहुत मजबूत बनाया था, लेकिन आप लोग आलस के कारण वो सूर नहीं देखा, परिणाम यह निकल रहा है। छोटे छोटे देश भी श्रम के माध्यम से आगे बढ़ गए, लेकिन बहुत बड़ा देश जो कि आज विश्व में सबसे ज़्यादा बड़ा देश है आबादी की अपेक्षा से, तो भारत है लोकतंत्र की अपेक्षा, लेकिन यहाँ पर कुछ रहा ही नहीं। फिर भी यहाँ पर कुछ संस्कार ऐसे हैं जिसके कारण विश्व का हित अवश्य हो सकता है। इसके लिए अन्य जितने भी देश हैं इस ओर रुझान रखते हैं। आप लोग इस प्रकार के उदाहरणों से अपने आपके जीवन को जो अव्यवस्थित है व्यवस्थित बनाएगा, और अपने जो पूर्वजों के द्वारा दिए हुए दिशा बोध उनको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। उतारने के प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आप स्वास्थ्य होंगे, स्वाभिमानी होंगे और दूसरे को भी स्वास्थ्य और स्वाभिमानी बनाएंगे। कोई भी व्यक्ति लेना नहीं चाहता, सभी देना नहीं देना चाहता है, ऐसा का यहाँ का वातावरण है। इसके कारण आप जो श्रीमान थे वो श्रीमान नहीं रहे। पहले के लोग नाम रखे जाते थे गरीब दास, इसलिए कहते थे वो उनको गरीब दास, गरीबों को उदास नहीं रखने देते थे और उनको श्रीमान बनाने का संकल्प लिया करते थे। नाम से क्या, गरीबदास होकर के सेठ साहूकार से भी आगे बढ़कर के कदम रखते थे, गुदड़ी के लार होते थे, मोटा खाना और मोटा पहनना, लेकिन सूक्ष्म सोचना, गहराई के तक सोचना। हाँ, सोचते क्या है, आज तो अफसोस होता है प्रत्येक, सोचने के लिए कुछ रहा है। सुन रहे हो क्या, नहीं? रविवार के दिन घुट्टी पिलाई जा रही, फिर भी हमारा यही कहना है ये घुट्टी यदि आपके काम में आ जाए तो हम समझे कि सार्थक है। गर्मी के दिनों में जो आप आए हैं पसीना बहा करके, लेकिन पसीना जितने बहाओगे सीना उतना ही तनेगा। बड़े बड़े सेठ साहूकार हो करके भी अपनी संतान को दुकान में बैठने नहीं देते थे, सुनते हो? ऐसे क्यों, अपने बेटा को तो बनना चाहिए। नहीं, जाओ उस दुकान में रहो और सीखो, ये हमने खोला है, सींचा है और बड़ा किया है, तुम्हें सब कुछ मिला है, तो उस दुकान में जाओ जो बिल्कुल थोड़े से इस दुकान के पीछे छोटी दुकान है, जाओ वहाँ पर सीखो। और उनको जाकर कहा इसको अच्छे ढंग से सिखा देना, ये परंपरा अभी भी विद्यमान है कहीं कहीं पर राजस्थान में। क्या करना ना, बिल्कुल, क्योंकि अपना लड़का खाने पीने में ज़्यादा रहता है, श्रम और युक्ति से वंचित रहता, वो जाकर के वहाँ पर रहो, वहाँ पर जो कहेगा वही करना पड़ेगा, समय पर भोजन पानी जो कुछ मिला उतने में ही, कुछ कहना नहीं मांगना नहीं, ध्यान रखो, नहीं तो मांग दोगे कुछ कह दोगे तो इधर आना ही नहीं। सीधा रास्ता है कहाँ के लिए, नेमोवर के लिए जाओ, घर में नहीं आ रहा, क्योंकि जब तक हम श्रम नहीं करेंगे
तब तक हमारा मुख मीठा नहीं होगा। और यदि श्रम नहीं करेंगे, मुख मीठा होना तो दूर, वो कड़वा हो जाएगा, क्योंकि बीमारी होगी। आप श्रम से धीरे धीरे अपने बच्चों को बचाना चाह रहे हैं, यह आप संस्कृति को भूल गए हो। आज भी राजस्थान में ये परंपरा है, गुरुजी के मुख से ये सुना था, ये ऐसा ही किया जाता है। ऐसे रहो धका धनी के खाओ, एक दिन ऐसा आएगा आप धनी हो जाओ। धक्का लग जाए तो कोई बात नहीं, धक्का लगने से ही मालूम पड़ता है संयत होता है। इधर उधर धक्का लग जाए तो अपने आप ही मालूम पड़ेगा कि हाँ ऐसे धक्का लगेगा, तभी हमारी दृष्टि जागृत होगी, अन्यथा हम इस मुख को खो देंगे। ऐसे विद्वान पहले होते थे जो स्वाध्यायशील होते थे, और उनकी जीवनचर्या के माध्यम से कईयों को पाठ मिलता था। आप लोग इस प्रकार के व्यक्तियों की संगति से दूर मत रहना, और जो इस प्रकार के संगतियों से दूर रहता है वह व्यक्ति दुर्लभ वस्तु को भी काक को उड़ाने के लिए रत्न का प्रयोग करता, फेंक करके उड़ा देता है। तो उड़ा करके वह ले तो जाएगा, लेकिन आपके पास जो था रत्न वो भी हाथ से निकल गया, बहुत कुछ निकल गया, निकल गया, निकल गया। आलस आलस के कारण, अज्ञान के कारण, ना समझ के कारण, किंतु अब तो उसको दुर्लभ की कोटि में रख कर के अगले जीवन की भूमिका के रूप में ऐसा बोवो जो निश्चित रूप से सहस्र गुणित फल देता है। किसान को गंवार कह देते हैं सभी लोग। जो व्यक्ति, अब मैं पूछना चाहता हूँ, आप दुकान में कितने प्रतिशत मुनाफा लेते हो बिना चोरी की, बताओ? 10% हो जाए तो बहुत हो जाए, हो गया आप गंवार से भी गंवार, बिल्कुल। आप अभी भी प्रतिशत के रूप में जी रहे हो, प्रतिशत के रूप में जी रहे हैं। 10 रुपये यदि आप कमाते हैं तो प्रतिशत हो गया, और 10 क्या वस्तु है? किसान गंवार नहीं है। 1 किलो बोता है तो बोलो कितने गुना निकालता है। कितनी बोरियां आती हैं, मुट्ठी भर डाला, अरे वो भी, अरे जो धान था उसको भी मिट्टी में फेंक रहा, आओ फेंक रहा, फेंक नहीं रहा, 3-4 महीने के बाद देख तो लो, लोड को लेकर के खड़े होकर ना पड़ेगा। बोरियों के ऊपर बोरी लाते हुए जब वह आंगन में खड़ी होगी, घर में स्थान नहीं रखने के लिए आंगन में ही रखो, नहीं तो जल्दी जल्दी दुकान की ओर भेज दो, वह रखने के लिए नहीं है। कितनी भूख से मरने वाले के पेट उससे भरेंगे, वह संतोषी प्राणी है। अब जो ही दुकान में चला जाता तो गोदाम में भर्ती कर देता है। अब वो ताला बंद होता है, अभी नहीं खोलना, अभी नहीं खोलना, अभी नहीं खोलना, मत खोलो, आंखें तो खोलो, भाव बढ़ जाए, भाव बढ़ जाए। दुर्भाव बढ़ रहे हैं क्या, भाव बढ़ रहे हैं, बताओ?
उसके द्वारा तो जीवन उन्नत बनने वाला नहीं, और रख करके वह बहुत बड़ा करके फिर बाद में 10 गुना है ठीक है, लेकिन किया क्या आपने उसकी रक्षा के लिए, और लग गया और सारे सारे समय पर तो उपभोक्ताओं के सामने जाना चाहिए था वो नहीं गया, तो गरीबों का क्या हुआ इससे? किसान तो गरीबों के पेट को भर देता है और आप लोग श्रीमानों के पेट को भी गरीब बना देते हो। ये लोग ये भाव ठीक नहीं, इन भावों से दूर रहो। क्षेमं सर्व प्रजानां, सब जीवों का उद्धार हो, ऐसे भाव करने से ही आप लोगों का उद्धार होगा, और केवल बातों से ही नहीं उसके योग्य सब लोगों को सहयोग देने के भाव रखो, तब आज भी सतयुग आने में देर नहीं लगेगा। नहीं है तो कलिकाल तो है ही, और यह तो एक प्रकार से नीचे और जाएगा और जाएगा। इस काल में विकास कम विनाश की ओर ही युग जाता है, और ऐसे ऐसे भाव करेंगे निश्चित है उत्थान का स्वप्न देखना एकमात्र स्वप्न हो जाएगा। इतना ही कहकर उस बनारस दास की कथा को और अर्ध कथानक को आप अवश्य ही एकाध बार पढ़ लीजिए, और इस कथा को जो भूल गए हो तो याद रखिए, और उस माँ को भी याद रखिए, जाओ अब इन चोरों को भी। और ये कहना पर्याप्त हुआ, चोरों का हृदय पिघल गया और सारे सर पसीज गए, और आकर के रखा क्षमा मांगा, क्यों क्या हुआ? नहीं, हमारे माँ ने कहा तो इस प्रकार के द्रव्य को खाओगे तो ये पचेगा नहीं, ये भवो भवो में तुम्हारे लिए पीड़ा देगा, और वो भी उस बनारस दास के घर में जाकर के तुम घुसे हो वहाँ पर, तो वहाँ हमेशा हमेशा सब लोगों के उद्धार की बातें सोचते हैं। जो व्यक्ति आपके कल्याण के बारे में सोचता है उसके बारे में आप लोगों ने गलत सोचा और वहाँ पर डाका डाल दिया, मतलब चोरी भी होती है तो राजा के यहाँ कर ले तो फिर भी ठीक है, चोरी करने वाले भी सत्य बोलते थे पहले, आज साहूकार भी धर्म के कांटे को दबा देते हैं, क्या कहें क्या करें, फिर भी ये तो चलेगा। इसी में से एकाध जैसे चना वो भूंगड़ा बाहर आएगा, बाकी सब बंद ही रहेंगे ऊपर। गुरु जी कहा करते थे जब चने भूंगते हैं उसमें से वो कहीं चटक नहीं जाए, अब बाहर ना आ जाए, ऊपर से कुछ तसला रख देते, उसमें से भी कोई बाहर आ जाता, ऐसा यह दुर्लभ है। आपको प्रज्ञा मिली ही, भगवान से प्रार्थना करूं हे भगवान इस दुर्लभ पर्याय का एक प्रकार से सदुपयोग हो और आगे की भूमिका अच्छी तैयार हो, सब लोग उन्नति के मार्ग पर आरूढ़ हो, यही भावना भाटे जाए। अहिंसा परमो धर्म। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थी श्रीमती हेमलता जी, झुम्बर लाल जी पाटनी जालना, सौभाग्यवती मंजू कचरू, सौभाग्यवती रेणु योगेश, सौभाग्यवती रश्मि दीपेश, सौभाग्यवती सलोनी अक्षय, चिरंजीवी मोहित संयम रोहित शुभम पाटनी एवं समस्त पाटनी परिवार जालना, फर्म कपूर चंद एंड कंपनी, आदिनाथ हार्डवेयर एंड